गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो किसके बीच में फॉर्म होता है और कैसे फॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोगों को पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1, 2 या फिर 3 होते हैं। तो मेटल्स को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है। और गाइस, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो 5, 6 या फिर 7 होते हैं। तो नॉन मेटल्स को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ता है। ये आप लोगों को पता हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो मेटल्स हैं ये कर रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब गाइस जो मेटल्स होते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायंस में। ओके गाइस, कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनको कैटायंस कहा जाता है। तो जो मेटल होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो 1 पॉजिटिव, 2 करते हैं तो 2 पॉजिटिव, और 3 करते हैं तो 3 पॉजिटिव। और गाइस, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनायंस में, और एनायंस क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल्स हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज करा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वही जो नॉन मेटल है वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और उस बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। और गाइस जनरली ये जो बॉन्ड होता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, नॉन मेटल को, क्योंकि मेटल लूज कर रहे हैं और वही इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, और किसके बीच में फॉर्म होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। गाइस, जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायंस में, और जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनायंस में। कैटायंस क्या होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। एनायंस क्या होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। अब बात आती है कि ये आयंस क्या होते हैं, आयंस का मतलब क्या है। तो गाइस, आयंस वो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके फॉर्म होते हैं, जिस पर चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो उन्हीं एटम्स को कहा जाता है आयंस। तो याद रखिए, जो एटम होता है वैसे तो न्यूट्रल होता है, बट जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस, वो बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है,
फ्रॉम वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, जो एटम्स के बीच में ट्रांसफर होता है। अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है, आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो उसी बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो गाइस याद रखिएगा कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में बनता है जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब गाइस वो कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उन कंपाउंड्स को कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। गाइस यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे सोडियम है। गाइस यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में। ठीक है, ये हो गया सोडियम एटम और ये हो गया सोडियम आयन। अब क्लोरीन क्या करेगा, वही यहाँ पे जो सोडियम वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसे क्लोरीन गेन कर लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा NaCl। गाइस NaCl कंपाउंड कब फॉर्म हुआ, जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म हुए तो इन दोनों आयंस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ। क्यों, क्योंकि गाइस इन पे अपोजिटली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज, और जब अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो ऑब्वियसली उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो NaCl फॉर्म हो रहा है इनके बीच में क्या है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। और गाइस इसी ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो गाइस वो कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। जनरली जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसमें एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, और ये दोनों कब फॉर्म हुए, NaCl कब फॉर्म हुआ, जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो कौन सा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, गाइस यहाँ पे MgCl2 अगेन ये भी कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवेलेंट। क्यों, क्योंकि इसमें एक मेटल है एक नॉन मेटल है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये फॉर्म हो गया। ऐसी कैल्शियम ऑक्साइड, गाइस अगेन कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा वो कौन सा कंपाउंड होता है, सीजियम फ्लोराइड। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड कौन सा है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, तो वो है सीजियम फ्लोराइड। गाइस इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CsF। सीजियम का सिंबल होता है कैपिटल सी और स्मॉल एस, फ्लोराइड का F। तो ये जो कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अब गाइस बात आती है कि इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होता है। गाइस जनरली जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, जब जितने इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या एटम ट्रांसफर करता है, मतलब लूज करता है या गेन करता है या फिर शेयर करता है, उसको वैलेंसी कहते हैं। अब गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोवेलेंसी वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रो का वर्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड होगा। और गाइस इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोवेलेंसी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। गाइस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एटम या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा और उनके बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोवेलेंसी। गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सोडियम है वो वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है,
तो यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ऐसी जो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एटम या तो लूज कर रहा हो या तो गेन कर रहा हो और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो, उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा हो, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही क्रिएट होते हैं। तो अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो याद रखिएगा वो कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बात एक ही है। कभी कभी क्वेश्चन में आयोनिक वर्ड आता है, कभी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट वर्ड आता है, तो उस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कब क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे जब ये आयन्स में कन्वर्ट होते हैं, कैटायन्स और एनायन्स, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो गाइस इस चीज को याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।